तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, मैंने लास्ट टाइम दिल्ली से लगवाया था। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं भाई आपने गार्ड कहाँ से लिया, कौन से शॉप से लिया, तो ये वाला गाइस आप लोग को शॉप में नहीं मिलेगा, आप लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा करोड़। कि एप्रिलिया का जो लाइफ है ना कितना रहता है और कितना किलोमीटर चलने के बाद ये कंटिन्यू आप लोग को दिक्कत देता रहता है। होना है बहुत टाइम बाद स्कूटी निकाला है, बिल्कुल चलाने का मन नहीं करता यार अब तो, पता क्यों अब वो बात नहीं रही है स्कूटर में। एंड इस बार मैं करूँगा ऑल इंडिया दोबारा से साइकिल में, आप लोग को सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल एंड आई होप यू गाइस एक्सट्रीमली गुड। भाई साहब बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आज, ठीक है। लास्ट ब्लॉग मेरा दिल्ली तक का था, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया गाइस, क्योंकि वहाँ से मैंने रात में ट्रेवल किया था, तो रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है आप लोग को पता है, दिल्ली हाईवे में भयंकर वाली फॉग रहती है, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपसे तो आप लोगों का इस पता लग गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला गाइस कि जो एप्रिलिया का जो लाइफ रहता है ना गाइस वो कितना रहता है, कितना किलोमीटर चलने के बाद आप लोग को बस दिमाग ख़राब हो जाएगा उसके बाद, तो कि भाई हाँ बार बार रिपेयर कराओ, बार बार इसका सर्विस कराओ, बार बार ये कराओ वो कराओ, इतना पैसा खर्चा हो जाता है ना गाइस। अब तो इतना पैसा बचा भी नहीं कि मैं आगे राइड कर पाऊँ, आई एम टोटली ब्रोक गाइस, आप लोगों को मैं बता दूँ, आई एम गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो और मेरे को लगता नहीं है कि अब मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा गाइस इसमें, क्योंकि बहुत पुराना हो गया गाइस, 3-3.5 साल हो चुका है, ठीक है। तो लगभग 1,90,000 किलोमीटर चल चुका है, जब से 1 लाख कंप्लीट हुआ ना गाइस, 1,30,000 कंप्लीट किलोमीटर हुआ ना, उसके बाद मेरे को रफ्तार ने यानी कि एप्रिलिया ने मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत दी गाइस, ठीक है। उसके बाद तो सर्विस भाई साहब, मैंने आप लोग को विश्वास नहीं करोगे गाइस, मैं दिन में एक टाइम खाना खाता था, ठीक है, पैसे बचाने के चक्कर में, कहीं मेरा स्कूटरी ख़राब हो गया तो मैं किस पैसे से इसको ठीक कराऊंगा। तो लग 50,000 समथिंग तो भाई इसका रिपेयर में ही लगा है मेरे को, आप लोग को पता है गाइस मैंने कैसे ट्रैवल किया है, बहुत मुश्किल से ट्रैवल किया है मैंने ऑल इंडिया, तो लगभग 25 स्टेट तो कम्प्लीट हो गए, अभी भी 4 स्टेट बाकी है, जिसमें से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड लद्दाख एंड हिमाचल, जो कि चाहे कर पाऊंगा गाइस, क्योंकि अभी तो भाई सब ऐसा सिचुएशन है ना कि पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है और बहुत से सारे खर्चे होते हैं गाइस, ठीक है, फ़ोन में डलवाओ, फ़ोन से अपलोड करो, ऐसा सिचुएशन है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ गाइस कि एप्रिलिया का जो लाइफ है ना कितना रहता है और कितना किलोमीटर चलने के बाद ये कंटिन्यू आप लोग को दिक्कत देता रहता है, तो ये वाला सिचुएशन आप लोग को बताऊंगा गाइस। तो फिलहाल आप लोग नए हो तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू ट्रैवल करूँ, अच्छी अच्छी जगह घूमूँ और आप लोग को मैं दिखाऊँ सोलो ट्रैवलिंग कैसे करते हैं पूरे इंडिया में। तो यार ट्रैवलिंग का तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ट्रैवल तो ट्रैवल है गाइस, ठीक है, चाहे आप स्कूटी में करो, चाहे आप चल के करो, चाहे बस में करो, चाहे ट्रेन में करो, चाहे ट्रक में करो, ट्रैवलिंग से ट्रैवलिंग, बस आप लोग को दिखाना है कि भाई ऐसे ट्रैवलिंग हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ आगे गाइस मैं आई थिंक साइकिल से ही कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, क्योंकि साइकिल में क्या रहता है आपका बजट भी कम खर्चा होता है और आप एक एक चीज़ मूवमेंट को ना वो आप कैप्चर कर सकते हो। एंड बस ये सिचुएशन सोच रहा हूँ कि भाई ट्रैवलिंग तो करूँ लेकिन कैसे करूँ जिसमें पैसा भी खर्चा ना हो और ट्रैवलिंग भी हो, और बाद में जब हाँ चैनल ग्रो करेगा थोड़ा बहुत इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद सोचता हूँ कि हाँ एक अच्छी स्कूटर ले लूँ दोबारा से, अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा गाइस, ठीक है। तो चलिए यार मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, अपने इमोशनल आप लोग के साथ सामने रख रहा हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। तो काफ़ी बुरा हालत है भाई का यार, ठीक है, तो अभी ठंड में अकेला हूँ, ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन यार जितने मेरे छोटे से फैमिली है उन लोग को बताना ज़रूरी है कि मेरा सिचुएशन कैसा है, ठीक है। तो फिलहाल अपना रफ्तार जो ऐसा है, ठीक है, आगे का टायर मैंने रेलको का लगवाया था एंड पीछे का भी रेलको का लगवाया था गाइस। तो उसके बाद क्या है ना, तो मैंने आगे का जो मडगार्ड है ना मैंने ओपन कर दिया था, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं स्पीति गया था तो यहाँ पे बर्फ जो है ना आइस बहुत ज़्यादा फंस जाता है जिसके कारण चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने खोल दिया था, ठीक है। तो मेरे को लगता है स्पीति भी नहीं जा पाऊँगा गाइस बिकॉज ऑफ खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऑल इंडिया राइड करने में कितना खर्चा आया मेरा, ठीक है, कि एक्चुअल खर्चा है वो कितना आता है स्कूटर में, ठीक है, आप लोग कम से कम होटल लेके भी कितना खर्चा आता है, तो ये आप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किसका टॉपिक में दूसरा रहूँगा। फिलहाल तो अभी आप लोग को दिखा देता हूँ कि मेरा एप्रिलिया का सिचुएशन कैसा है अभी, ठीक है। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, मैंने लास्ट टाइम दिल्ली से लगवाया था, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं भाई आपने गार्ड कहाँ से लिया, कौन से शॉप से लिया, तो ये वाला गाइस आप लोग को शॉप में नहीं मिलेगा, आप लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा करोड़ बाग के पास में एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे एक मोटिवेशन वगैरह होता है, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर मेरे पास होगा तो आप लोग को नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों वगैरह लगाया है, जितने भी स्टेट में घुमा उन लोग ने लगाया है, बहुत प्यार किया। तो यहाँ पे है माइलस्टोन, ठीक है, तो यहाँ पे कलकत्ता एंड यहाँ पे बहुत सारे रोड है, ये थ्रोटल्स होटल है जो कि इंडिया का बिगेस्ट है, जिसके साथ होता है ना कौन सा XPH के साथ कोलेब्रेशन रहता है इनका, तो वो भी है। तो अभी आप लोग को सिचुएशन बताता हूँ कि एप्रिलिया में ऐसा क्या चीज़ है जो आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसका पिकअप तो 0 हो गया है, ठीक है, सब कुछ चेंज है, सब कुछ नया है, फिर भी तो यहाँ पे मैंने SJG का
फॉग लैंप लगाया है, ठीक है, ये येलो लाइट है तो काफ़ी अच्छा है ये। तो ये दो फॉग लाइट है यहाँ पे भी, एंड जो बीच का हेडलाइट है गाइस वो है नाइट आई का। एंड साइड में मैंने सब लोग पूछ रहे हैं ये कैसे लगाया, तो गाइस ये डर्ट शेक का ना वाटर बॉटल आता है, मतलब डर्ट शेक का वाटर बॉटल ये केस का आता है, ठीक है। इसमें आप इजीली चाय वगैरह रख सकते हो और साथ में पानी भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी लगाया, इसको निकाल के धोना है, बहुत टाइम बाद स्कूटी निकाला है, बिल्कुल चलाने का मन नहीं करता यार अब तो, पता क्यों, अब वो बात नहीं रही है स्कूटर में। एंड पीछे की बात किया जाए तो गाइस इसका इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इतने किलोमीटर चलाने के बाद, लगभग 1 लाख चलने के बाद ना आप लोग को दिक्कत स्टार्ट देना स्टार्ट कर देगा। बस ये मैंने देख लिया, मेरे को नहीं लगता कि पूरे इंडिया में अप्रैल मेरे से ज़्यादा किसी ने चलाया होगा, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस है आप लोग को मैं बता सकता हूँ दिल से, 110% आप लोग मैं बता रहा हूँ गाइस, ये 1 लाख के बाद ना आप लोग को दिक्कत देना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद तो इसका कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग चला रहे हो 50-60 हज़ार चला लिया ना, उसके बाद आपको रीसेल कर देना चाहिए इसको, ठीक है। तो इसके साथ तो मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि इसको मैंने तब लिया था जब मेरा पहला जो कमाई है ना उसको सेविंग्स से लिया था, तो बहुत प्यार, इसको मैं कभी सेल नहीं करूँगा, बिकॉज इसको मैं 100 पीस लगा दूंगा घर में, लेकिन आई विल नेवर सेल दिस, बहुत प्यार है इसे, जो भी है बहुत मैंने इस ऐसे अप्रैलिया ने मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैवल कराया, पूरे इंडिया दिखा दिया भाई सब, ऐसी ऐसी जगह लेके गया हूँ जो लोग जाने में भी डरते हैं अकेले। तो आई अप्रिशिएट अप्रैलिया, ठीक है भी है क्योंकि स्कूटर है, ठीक है, इतना किलोमीटर नहीं चल सकता है, उसके बाद एक पीरियड आता है, एक टाइम आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है लाइफ इसका, चाहे जितना मर्जी सर्विस करवा लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एक बार इंजन खुल जाता है ना उसके बाद तो सोच लो इसका सब कुछ चला गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसका एक बार पिस्टन चला गया है, बोरहेड, पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो 1 लाख के बाद बस आप लोग को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ, ज़्यादा वो नहीं करूँगा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बस 1 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार के बाद ना बस दिक्कत ने स्टार्ट कर देता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोके मारो गाइस। यार ट्रैवलिंग तो करूंगा गाइस मैं, बट ऑल इंडिया दोबारा से प्लानिंग है मेरा, बट उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, कैसे उसको कंप्लीट करूंगा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि ऑल इंडिया अब मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर मैं साइकिल में भी करता हूं, चल के भी करता हूं तो इट्स ईजी फॉर मी, एंड इतना कैपेसिटी तो रखता हूं, इतना मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ मैं साइकिल में भी ऑल इंडिया कंप्लीट कर सकता हूं, ठीक है। तो यही था आज का सीन गाइस, आई थिंक क्या बोलूं यार, बहुत टाइम बाद फिर से सोच रहा हूँ, जो सोच के गया था ऑल इंडिया राइड वो नहीं हो पाया, खर्चा बहुत आ गया गाइस, ठीक है। तो अभी भी 4 स्टेट बाकी है, क्या बताऊँ आप लोग को, सपोर्ट नहीं है, अगर आप लोग का थोड़ा सपोर्ट मिल जाता तो थोड़ा अच्छा रहता यूट्यूब में, तो मैं सोच रहा हूँ फेसबुक में सभी सोशल मीडिया में अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ वीडियोज़, बट इस बार मैं करूँगा ऑल इंडिया दोबारा से साइकिल में, आप लोग को ये प्रॉमिस है, साइकिल में करूँगा। आई थिंक मैं 1.5 साल का टाइम लूँगा, 1.5 साल में साइकिल में घूमूंगा, कम से कम 20-25 थाउजेंड किलोमीटर कंप्लीट करूँगा उसमें, तो उसके लिए मैं 1 महीना जो है ना काफ़ी वर्कआउट करने वाला हूँ, जिसमें मेरा 6 पैक्स वगैरह आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया है मैंने, ठीक है, 1 वीक हो गया है, तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा आगे का वीडियो। तो दसरा घर है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा आग जलाया था क्योंकि ठंड बहुत है पंजाब में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइस, आई होप कुछ बने लाइफ में, इतना ट्रैवलिंग का शौक है ना, बस घुस चुका है पैसन, जैसे लोगों को दारू का नशा लगता है ना, तो ऐसे मेरे को ट्रैवलिंग का नशा लग गया है, ट्रैवलिंग के सिवा मेरे को कुछ दिखता नहीं है। आई थिंक दिस इज़ बेनिफिट फॉर मी और नॉट, मुझे नहीं पता है, ठीक है, लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बोलते हैं ना आप लोग को जिस चीज़ से खुशी मिलता है उसी के पीछे भागो, ठीक है, हार्ड वर्क करो और एक ना एक दिन कामयाबी मिल जाती है। लेकिन भाई साहब मैं पिछले 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेता हूँ जिससे मेरा पॉकेट मनी निकल जाए, थोड़ा इधर उधर का खर्चा निकल जाए, तो बस ये सीन है। तो जल्दी कामयाब होंगे हम भी एक दिन सबकी तरह, और आप लोग को अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे, एक बार अच्छा ग्रो हो जाए ना उसके बाद भाई साहब मैं ट्रैवलिंग इस तरीके का करूँगा ना लोग पागल हो जाएंगे, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे थॉट है ना जिसको मैं सोता भी हूँ ना, तो ऐसे ऐसे थॉट आते हैं मेरे को, पॉजिटिव थॉट आते हैं, मैं सोचता जो भी हूँ पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी के पास जाते हो कि हाँ मेरे को समझाओ, ठीक है, लाइफ के बारे में क्या होता है कैसा नहीं होता है, तो आप लोग को पता ही है वो 2 मिनट का मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन तो आपको खुद से लेके आना है कि भाई मेरे को ये चीज़ करना है और इसमें मेरे को अचीव करना है कुछ ना कुछ, तभी हो पाता है मेरे को लगता है, बट आई एम ट्राइंग, ठीक है, मैं गिव अप नहीं करूँगा। सो यही कहानी है गाइस आज का। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को हम यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।